शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नसीर अलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5। तो जी बच्चों 3.5 हमारे पास जनरल मैथ है, तो आर्ट्स की है, इसको हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मुतसर कीजिए। मुतसर करना आपने इसको, और मुतसर करने के लिए ज़ाहिर है इक्वेशन हमें एक वैल्यू दी गई है, हमने इसका एलसीएम लेना है। ए प्लस 1 और ए प्लस 2 ये तीनों ही इसका एलसीएम बन जाएंगी ऐसे। उसके बाद इसको बारी बारी डिवाइड करते हैं, ए ए से कैंसिल हो गए, दोनों ऊपर आ गए इसके, ए प्लस 1 और ए प्लस 2। ये प्लस वाला ए प्लस 1 इधर आ गया इसके ऊपर, और ये ए और ए प्लस 2 आ गया ऊपर इसके। हमारे पास 2 है ना, 2 से इसको मल्टीफाई करवा दें आप लिखेंगे 2A और ए प्लस 2। ओके जी, उसके बाद ये ए प्लस 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस 3 और ए प्लस 1, ए प्लस 1। नीचे वाली तो आपने सेम ही रखनी है एंड तक, ए प्लस 1 और ए प्लस 2। यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें, ए मल्टीप्लाई ए ये बन गया ए स्क्वेयर प्लस 2 ए, 1 से करवाएं 1 ए प्लस 2, इनको मल्टीप्लाई करवाएं 2 मल्टीप्लाई ए, तो 2 ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा 2 ए स्क्वेयर प्लस 2 टू द 4 ए, और उसके बाद माइनस 3 ए मल्टीप्लाई ए, तो 3 ए स्क्वेयर हो गया प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई 1, तो 3a हो गया। अब इनको हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा a a प्लस 1 a प्लस 2। अब आप देखिए ये हमारे पास है a स्क्वेयर 2a स्क्वेयर 3a स्क्वेयर हो गया प्लस 3a स्क्वेयर और माइनस 3a स्क्वेयर, ये इकट्ठे कर लें। अब यहाँ पे 2a प्लस 4a कितने हो गए प्लस 6 जी, देखिए 2 और 1 ये 3, 3 और 4 कितने हो गए 7 प्लस 7 ए माइनस 3 ए, और हमारे पास 2 जो है ना ये वाला ये सिंगल ही है, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसको देखिए, 3 ए माइनस वाला 3 ए इसके माइनस वाला 3 ए प्लस वाला ये कैंसिल हो गया, 4 में से आपने कितने माइनस करने हैं जी 3a, तो हमारे पास बन जाएगा 4a प्लस 2 डिवाइड a a प्लस 1 और a प्लस 2। यहाँ पे ऊपर हमारे पास देखिए काम क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर लिखें, और यहाँ पे आप करें 2 2 दा 4a और 2 1 दा 2। नीचे हमारे पास आ गया a a प्लस 1 और a प्लस 2, तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया। मैं इसका आपको आंसर भी चेक करवा देता हूँ एक दफ़ा जी, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमारे पास। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब हम इसका दूसरा करने जा रहे हैं, सवाल नंबर 2। तो देखिए 2a x माइनस 2a सेम आ गया, माइनस x माइनस ए सेम, और ये जो नीचे हमारे पास वैल्यू है ना इसका आप बना दें फैक्टर्स बना लें इसके, एक्स स्क्वेयर दो फैक्टर बनाए जिसका मल्टीप्लाई करें 6 है प्लस माइनस करें तो 5 है, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 3 ए एक्स प्लस 2 ए एक्स, 3 टू या 6, और दोनों को हम अगर प्लस करेंगे प्लस माइनस माइनस नहीं, तो दोनों के साथ माइनस लगा दें आप, माइनस माइनस प्लस माइनस 5 आ जाएगा प्लस 6 ए स्क्वेयर प्लस 2 एक्स माइनस 3 ए सेम आ गया। अभी फ़िलहाल ये भी हमारे पास सेम आ जाएगी, माइनस एक्स माइनस ए सेम, नीचे इन दोनों में से कॉमन ले लें, एक्स कॉमन आ गया एक्स माइनस 3 ए बच गया, और इन दोनों से माइनस 2 और ए कॉमन ले लें, 2 कट गया ए कट गया एक्स आ गया माइनस प्लस माइनस 2 3 दर 6 और एक ए बच गया। उसके बाद ये जो है हमारे पास अगली वैल्यू बिल्कुल सेम, 2a x माइनस 2a माइनस
एक्स माइनस ए, यहाँ पे आप देखें एक्स माइनस थ्री ए और एक्स माइनस टू ए, ये हमारे पास एक ब्रैकेट वाली आ गई और एक बाहर वाली आ गई, प्लस टू ऊपर आ गया और एक्स माइनस थ्री ए, ये हमारे पास इसकी आ गई वैल्यूज। अब हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम में हम लिखने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों हम लिखते हैं। तो कॉमन दोनों में देखिए क्या हमारे पास एक्स माइनस टू ए ये कॉमन है और एक्स माइनस थ्री ए, एक्स माइनस थ्री ए, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम बन जाएगा। अब आपने इसको इस पर डिवाइड करना है, ये कट गई आपकी और टू ए मल्टीप्लाई बनेगा एक्स माइनस थ्री ए से, उसके बाद ये दोनों ही कैंसिल होगी, माइनस एक्स माइनस ए आ जाएगा इसका, इसकी थ्री ए वाली कट गई, प्लस टू, टू मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ एक्स माइनस थ्री ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, टू ए एक्स माइनस थ्री टू या सिक्स ए स्क्वेयर, बाहर माइनस है अंदर वाला साइन चेंज कर दें, माइनस एक्स हो गया और माइनस माइनस प्लस ए, टू को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, टू मल्टीप्लाई एक्स टू एक्स प्लस माइनस माइनस टू टू या फोर ए, नीचे आपने बिल्कुल सेम लिखनी है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, ये आ गई। उसके बाद जी इसको आप देखने के ये सिंपलीफाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, टू ए एक्स तो सेम आ गया, टू ए एक्स और ए स्केयर कोई भी नहीं है, ये भी सेम ऐसे ही आ गई, ये प्लस टू एक्स है, ये माइनस एक्स है, तो प्लस टू में से आप वन एक्स निकाल दें तो पीछे प्लस वन एक्स रह गया, ये माइनस फोर है, ये प्लस वन है, तो प्लस माइनस माइनस फोर में से वन माइनस गया तो माइनस थ्री ए आ गया, और एक्स माइनस टू ए एक्स माइनस थ्री ए, ये बच्चों इसका हमारे पास जो है ना बुक के पीछे जो है वो आंसर आ गया, बुक के पीछे हमारे पास इसका यही आंसर है। ओके जी, अब मसला पता क्या है, कुछ बुक्स के ऊपर इनके की बुक हेल्पिंग बुक मैंने तीन चार रखी हुई हैं, उनको देख के मैं इनका बेस्ट सोल्यूशन जो है ना आपको करवाता हूँ, तो इसमें ना आगे भी इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आपका वैसे अगर आपने इतना करना हो तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा। बाद बच्चे कहते हैं सर इसको ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, तो आपने इसको आगे सॉल्व नहीं किया, तो मैं आपको नेक्स्ट भी इसको सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, इन दोनों में हमारे पास टू और ए कॉमन आ गया, टू ए कट गया एक्स रह गया, टू थ्री या सिक्स ए के बच गया, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो वन कॉमन ले लें, तो एक्स माइनस थ्री ए हो गया, नीचे वाली एक्स माइनस टू ए और एक्स माइनस थ्री ए सेम आ गया, तो एक्स माइनस थ्री ए दोनों में कॉमन आ गया और टू ए प्लस वन हमारे पास बाहर वाली बच गई, यहाँ पे एक्स माइनस टू ए और एक्स माइनस थ्री ए आ गया, तो देखिए एक्स माइनस थ्री ए से कैंसिल हो गया। तो ये अगर आपने मज़ीद इसको सिंपलीफाई करना है तो आपकी मर्ज़ी, आप ये इसका फाइनल आंसर दे सकते हैं, वरना जो बुक है ना उसके पीछे आपको ये चेक कर लें बेशक ये वाला आंसर मिलेगा। अगर आपने मजीद सवाल करना है तो आप यहाँ तक इसका आंसर कर लें। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं जी बच्चों, अब इसका क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसको करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास देखिए एक दो तीन चार रकमें हैं, आपने इसमें करना क्या है, देखिए ये दोनों सेम है, इसको आप अलग कर लेंगे, इसको आप अलग सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का आप ऐसे करें कि इन दोनों का एलसीएम ले लें, पहले इन दोनों का एलसीएम हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन, सेम है, जब नीचे वाली सेम हो तो ऊपर वाली भी हम बिल्कुल सेम लिख सकते हैं, प्लस इन दोनों का एलसीएम कर ले, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन, नीचे सेम हो तो ऊपर वाली भी हम बिल्कुल सेम लिख लेते हैं, और यहाँ पर वन का स्क्वायर बनवा दें और फोर पावर है टू अंदर रखें और टू बाहर रखें, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस वन, नीचे सेम, यहाँ पर इसका क्यूब बनाएं ए स्क्वायर का क्यूब और ये वन का क्यूब आ गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस वन, इसको एक दफ़ा प्लस कर लें, वन प्लस ए स्क्वायर, वन माइनस ए स्क्वायर, नीचे हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे प्लस इसका क्यूब का फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस वन, और ए का स्क्वायर होता है तो टू है ना, टू का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा फोर, प्लस ए बी मतलब ए और बी दोनों इकट्ठी कर लें तो वन लगाने का फ़ायदा नहीं है, ए स्केयर ही आ जाएगा, माइनस वन का स्केयर वन ही हो गया, ये हमारे पास इसका क्यूब का फार्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर माइनस वन आ गया,
यहाँ से इसकी कैंसिल करें जो कैंसिल हो सकता है, ए इसके प्लस वन या वन वन प्लस ए स्क्वेयर उसे एम होता है, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, वन माइनस ए स्क्वेयर ये बच गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया प्लस दरमियान में, तो ए स्क्वेयर प्लस ए की फोर था यहाँ पे, ए फोर प्लस ए स्क्वेयर प्लस वन बच गया। अब आप लिखें वन माइनस ए स्क्वेयर प्लस प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होगी, ये सारे सेम ही लिख लें, प्लस वन ए स्क्वेयर से कैंसिल कर दें, ए की पावर फोर प्लस वन और वन कितने हो गए हमारे पास, टू हो गए। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से तो यही इसका आंसर होगा, आंसर जो है हमारे पास टू प्लस ए की पावर फोर कर दें या ए प्लस टू की पावर फोर कर दें, बात एक ही है। तो ये बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसको सॉल्व करते हैं। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर है, एक दो तीन रकमें हमारे पास, ठीक है जी। आपने क्या करना है जी, ये तो हमारे पास आ गई ना ऐसे ही, ये भी आपने ऐसे ही लिख लेनी है। इसके जो नीचे वाली है ना इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने क्या करना जी, एक साइड पे ना दूसरे पेज पे इसका रब कर लेना है, क्योंकि अगर हम इसको क्वेश्चन के अंदर करेंगे वो चार स्टेप तो इसके ही आ जाएंगे, वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसके पहले फैक्टर्स बना लें, एक्स के एक्स की फोर प्लस एक्स स्केयर प्लस वन, तो ये आप बनेंगे एक्स की टू का स्केयर, तो यहाँ पे प्लस टू फॉर्म लेगा मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, और ये हो गया ना वन का स्केयर तो मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। अब आप देखिए कि दरमियान में हमारे पास क्या है जी, टू एक्स स्केयर है और इधर क्या है वन, तो वन लाने के लिए हमें एक्स स्क्वेयर यहाँ पे एक माइनस करना पड़ेगा, फिर ये वन आ जाएगा। इसको क्लोज कर लें, एक्स के प्लस वन का होल स्क्वेयर माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, तो आप करें एक्स स्क्वेयर प्लस वन, एक दफ़ा इसको प्लस कर लें और एक दफ़ा आपने इसको करना है जी माइनस, एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस एक्स, तो इसको आप रेंज करें एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, इसको आप करें एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बन गए, यानी कि इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आपने इसका जो आंसर है वो यहाँ पे यूज़ कर लेना, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, ये रफ वर्क में करेंगे तो फिर ही आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन आपका ये, माइनस एक्स प्लस वन। ओके जी, अब हमारे पास तीन वैल्यूज होगी, देखिए कॉमन और अनकॉमन फैक्टर हम देख के तो इसका एलसीएम लेते हैं, दोनों में देखिए क्या सेम है, प्लस वाली और इसमें माइनस वाली, तो ये समझे कि ये दोनों ही हमारे पास एलसीएम बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, ये दोनों बन गए हमारे पास इसका एलसीएम। ये प्लस वाली यहाँ से काट गई, माइनस वाली ऊपर वन से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये सेम ही आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, दरमियान में माइनस आ गया, ये माइनस वाली काट गई, तो ये वाली आप लिखें एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। उसके बाद ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बच गया, टू एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन सेम आ गया, बाहर माइनस है अंदर वाले साइन चेंज करें, ये भी हमारे पास हो गया माइनस, ये भी माइनस हो गया प्लस टू एक्स प्लस वन, नीचे वाली हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, ये आ गया एक्स स्क्वेयर से कट गया। और देखिए यहाँ पे ना माइनस था, जी इसमें एक मिनट, प्लस वाली कटी थी तो माइनस वाली ऊपर आ गई, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो प्लस होगा तो ये कैंसिल होगा ना, तो यहाँ पे माइनस वाली कटी तो प्लस वाली आ रही है ऊपर, तो फिर यहाँ पे एक जगह पे प्लस होना चाहिए एक जगह पे माइनस होना चाहिए, इसको मैं चेक कर लूँ क्या मिस्टेक हुई है। जी तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, है मेरे से ही कन्फ्यूजन हो रही थी थोड़ी सी। देखिए आप के ये हमारे पास कैंसिल हुई, उसके बाद ये माइनस एक्स है और माइनस एक्स है, माइनस टू एक्स हो गए और प्लस टू एक्स, तो इसको आप एक स्टेप और हम कर लेते हैं, माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और नीचे आप इसको आप इकट्ठा कर लें। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो मैं आपको इसका डायरेक्ट शॉर्ट में बता देता हूँ, एक्स 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 की पावर फोर
प्लस माइनस माइनस एक्स 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 का स्क्वायर और प्लस 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 वन का स्क्वायर वन ही होगा, क्योंकि हमने इसको सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करा लिया। लेकिन मैंने आपको शॉर्ट बताया, वैसे इसको हम करेंगे ना, पहले एक्स स्क्वायर को तीनों से करेंगे, फिर एक्स को तीनों से करेंगे, फिर वन को तीनों से करेंगे, आपका आएगा यही। तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट तरीके में बता दिया। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ऊपर बट आ गया वन और नीचे आ गया एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये इसका आंसर आ गया। मैं आपको एक दफ़ा इसका आंसर भी चेक करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर का वन और एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। जी यहाँ पे जो ना, जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो यहाँ पर भी प्लस ही आ जाएगा। ओके जी, इनके यहाँ पर भी आप प्लस लगा लें। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर फोर का भी आंसर आ गया। तो जी बच्चों, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब आपने क्या करना है जी, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन सेम, बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज कर दें। माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वन, और ये प्लस टू एक्स और प्लस वन आ गया। नीचे वाली को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। देखें पहले एक्स स्क्वेयर को तीनों से करें, एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स की फोर माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स को तीनों से करवाएं, ये बन जाएगा प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स। फिर वन से करवाएं तो सारी सेम लिख लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और प्लस वन। उसके बाद जी ऊपर वाली वैल्यू देख कर देखें, एक्स स्क्वेयर माइनस वाला ये प्लस वाला ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स माइनस टू एक्स और प्लस टू एक्स और प्लस वन आ गया। नीचे आप लिखें एक्स की पावर फोर, देखें ये एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस से कट गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाला माइनस वाला एक्स स्क्वेयर से कट गया और प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास बच गया प्लस एक्स स्क्वेयर और प्लस वन। इधर देखिए प्लस एक्स टू वाला माइनस वाले से कट गया, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स से कट गया, हमारे पास बच गया जी वन। वन आ गया ऊपर और नीचे आ गया एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन। जी बच्चों, ये इसका हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। तो जी बच्चों, अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव है, इसको करते हैं। पहले मैंने ना इसका एक स्टेप लिखा है, इसको अरेंज कर लिया, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हमारे पास बिल्कुल सेम आ गई, ये भी सेम आ गई, ये ए प्लस सी है, ऊपर देखे सी माइनस ए है, तो हमने सी प्लस ए कर लिया, बात एक ही है, बस सी पहले लें ए बाद में लें। इसको ऐसे लिखा b प्लस सी है, ये b प्लस ए था ना, इसको a प्लस बी कर लिया। अरेंज इसलिए कर लिया ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये सेम आ जाएगी ऊपर वाली c प्लस ए, तो हमारे पास देखिए c प्लस ए सी माइनस ए ठीक है, यहाँ पे c प्लस बी था तो हमने b प्लस सी कर लिया। उसकी वजह ये कि देखिए यहाँ पे b माइनस सी है और यहाँ पर भी b प्लस सी था, इसलिए हमने सबको एक जैसा कर लिया। अब हमने क्या करना जी, इन तीनों का एलसीएम लेना है, ए प्लस बी ए ए प्लस बी दोनों में सेम है, एक ही एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। फिर सी प्लस ए एक ही हमारे पास एलसीएम आ गया, और तीसरे नंबर पे बी प्लस सी एक ही आ गया, ये तीन हमारे पास इसका एलसीएम आ गई। ए प्लस बी सी प्लस ए ये दोनों कैंसिल करें, हमारे पास ए स्क्वेयर बी माइनस सी और बी प्लस सी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, ये ऊपर आगे से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस लगाएं यहाँ पे b प्लस सी ये और a प्लस बी ये दो कैंसिल हो गए, c प्लस ए बच गया, वो ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, बी स्क्वेयर सी माइनस ए और c प्लस ए ये हो गया। उसके बाद प्लस ये a c प्लस ए ये और b प्लस सी ये दो एंड वाले कट गए, ये बच गया a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी ऐसे आपस में मल्टीप्लाई करवा दें आप। उसके बाद नीचे वाली सारी सेम आएंगी आपकी, a प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी, यहाँ पे अभी फ़िलहाल ए स्क्वेयर सेम लिखें, ये a एक माइनस वाली एक प्लस वाली, ये दोनों के स्क्वेयर कर दें आप, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये भी बी स्क्वेयर सेम आ गया, ये भी स्केयर, देखें एक प्लस वाली एक माइनस वाली है तो ये बन जाता है सी स्केयर ए स्केयर, सी स्केयर सेम आ, यहाँ पर एक प्लस वाली एक माइनस वाली, इसको भी कर दें ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अभी फ़िलहाल आप
नीचे वाली सेम लिखेंगे, ए प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी। ए स्क्वेयर के अंदर वाली दोनों से मल्टीप्लाई कराइए, देखिए ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर। बी को अंदर करवा दें, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। बी ए भी लिखें फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन आप इसके हिसाब से लिखें ना, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ओके जी, उसके बाद प्लस है, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर, या फिर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर कर दें। अब ऊपर देखें अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो सकती है तो उसको कैंसिल कर दें, नीचे वाली तो फ़िलहाल हम लिखेंगे सेम ही, ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी। ओके जी, ऊपर वाली देखें आप, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दोनों प्लस वाली हैं तो आप कर दें टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर देखिए कौन सी है, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये माइनस वाली है ये प्लस वाली है, ये कैंसिल हो सकती है हमारे पास। उसके बाद माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ओके जी, ये आ गया हमारे पास। अब इसको इस साइड पर करते हैं, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस साथ टू भी आ जाएगा। अब उन ऊपर वाली दोनों में से कॉमन ले लें, टू कॉमन है दोनों में और बी स्क्वेयर कॉमन है, टू बी कैंसिल हो गया फर्स्ट में से, ए स्क्वेयर बच गया माइनस टू और बी कैंसिल हुआ सी स्क्वेयर बच गया। नीचे आप लिखें ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी टू बी स्क्वेयर। एक दफ़ा आप इसको प्लस कर लें और एक दफ़ा आप इसको कर लें माइनस, ए प्लस बी और सी प्लस ए बी प्लस सी, ए प्लस सी ए प्लस सी से कैंसिल कर दें, और यही जो है आप इसका आंसर लिख लें टू बी स्क्वेयर ए माइनस बी ए प्लस बी बी प्लस सी। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास इसका आंसर, मैं चेक कर लूँ जी, बिल्कुल ठीक है इसका, थोड़ी ये सी करना था तो मैंने बी कर दिया, ए प्लस ए माइनस सी, तो ये हमारे पास बिल्कुल इसका एक्यूरेट आंसर आ गया। तो बच्चों अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का है, उसको करते हैं सॉल्व। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 6 है, इसको मैं सॉल्व करने लगूँ। देखिए आप, एक दो तीन चार वैल्यूज है हमारे पास, इसको तो आपने ध्यान से देखना है। माइनस वाली के साथ हम प्लस वाली रख लेते हैं, क्योंकि ये क्यूब का फार्मूला हमारे पास बाद में क्लोज हो जाएगा, और प्लस वाली के साथ हम माइनस वाली अरेंज कर लेते हैं। इसको पहले एक से आप करेंगे, आप अरेंज करेंगे एक्स माइनस वन, तो ये माइनस है ना, यहाँ पर आप माइनस लगाइए, एक्स प्लस टू एक्स के प्लस एक्स प्लस वन। ओके हो गया जी, यहाँ पर प्लस वन और एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, ये आ गया। यानी कि आपने क्या किया जी, एक्स माइनस वाली जो है ना, ये इसके साथ प्लस वाली आ जाती है, और प्लस वाली के साथ हम माइनस वाली लिखते हैं, क्योंकि ये बाद में हमारे पास क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे ना दिया, तो ये दोनों ही हमारे पास एलसीएम आ जाएंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ओके जी, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गई, ये ऊपर वाली हमारे पास सेम आ गई, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, और माइनस दरम्यान में आ गया, ये और ये कैंसिल हो गई, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू, ये आ गया। उसके बाद जी प्लस, ये एक्स, इसको पूरा लिख लेना, ठीक है, अच्छा जी ये प्लस आ गया, ठीक है।
अब ये नहीं कि हमने किया क्या है, ये साइड हमने एक लहदा सॉल्व करनी है, ये साइड हमने लहदा सॉल्व करनी है, बाद में दोनों को इकट्ठा कर लेंगे नीचे आके। इन दोनों में से एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, ये हमारे पास कैल्शियम आ गया, ये वाली कैंसिल हो गई, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन हमारे पास आ गया, ये इसकी कैंसिल हो गई, माइनस एक्स माइनस टू हमारे पास आ गया। ओके जी, अब आप ऊपर वाली लिखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन माइनस, इसको मल्टीप्लाई करवा लें, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस टू वन आर टू। अब नीचे ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस, अब बाहर माइनस हो ना तो फिर आप माइनस वाले क्यूब का फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब, ये हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा। दूसरे नंबर पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, ये आ गया थ्री। ओके जी, उसके बाद नीचे ये हमारे पास बन गया एक्स क्यूब प्लस वन, ये प्लस वाले क्यूब का फार्मूला बन गया हमारे पास। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स प्लस वन आ गया, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। नीचे एक्स क्यूब माइनस वन दरम्यान में प्लस, ये बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, अभी एक्स्ट्रा भी इनका ऐसे ही करते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं, थ्री कैसे आ गया, टू ही आना था, टू और प्लस टू, एक्स क्यूब प्लस वन आ गया हमारे पास। ओके जी, अब आपने करना क्या, देखिए एक्स स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, उसके बाद ये जो है एक्स प्लस वन एक्स कितने हो गए, प्लस टू एक्स जो है वो आपने ख़त्म करना है किसके साथ, माइनस टू एक्स, यानी कि ये भी कैंसिल कर देंगे आप, ये माइनस माइनस प्लस टू था, और ये टू और वन हमारे पास थ्री आ गया, एक तो हमारे पास ये आ गया इसका आंसर। दूसरी साइड पे आप देखिए, दूसरी साइड पे हमारे पास नीचे तो आ गया एक्स क्यूब और प्लस वन, और यहाँ पे देखिए ये एक्स इससे कैंसिल हो गया, एक मिनट, ये था माइनस एक्स प्लस वन, इसमें हमारे पास इसका मैं चेक कर लूँ। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब इसका हमारे पास सिक्स है, इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। बस आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने एक्स माइनस वन के साथ ये प्लस वाली लिख लेनी है, क्योंकि जब हम क्यूब का फार्मूला लगते हैं ना तो बाहर माइनस आता है अंदर प्लस आता है, तो ये क्यूब का फार्मूला दोबारा हमने अगर अब बनाना है तो फिर इसके लिए हमें एक्स माइनस वन और ये प्लस वाली लिखनी पड़ेगी, बाद में प्लस वाली के साथ आपने ये वाली माइनस वाली लिख लेनी है, ये प्लस वाला का क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। अब इसके एलसीएम दें, देखिए एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, ये इसका हमारे पास बन गया एलसीएम, ये एक्स माइनस वन इससे कैंसिल होगी, ऊपर आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन माइनस, ये इससे कैंसिल हुई तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू आ गया, दरमियान में प्लस, इन दोनों का एलसीएम ले तो एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, ये प्लस वाली इससे कैंसिल हुई, ऊपर आ गई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन दरमियान में माइनस, ये इससे कैंसिल हुई तो एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन, यहाँ पर आप लिखें एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन तो माइनस लगाइए, ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस एक्स और माइनस टू, ज़रा साइन चेंज करेंगे इसका। नीचे आपने एक्स क्यूब माइनस वन ये आ जाएगा इसका, अगर हम इसको क्लोज़ करते हैं ना तो वन का क्यूब आता है, हम वन का क्यूब नहीं लिखते, इसको आप लिखें एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन माइनस, एक्स को दोनों से बनाएं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू एक्स और टू वन का टू माइनस टू। नीचे हमारे पास ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब,
तो मान के क्यूब आपको पता है मान के इक्वली होता है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन, तो माइनस एक्स स्केयर टू एक्स में से वन एक्स माइनस करें तो पीछे हमारे पास कितने बच गए जी, माइनस एक्स बच गया, माइनस टू आ गया। अब ये फिलहाल सेम आ जाएगी नीचे वाले भी, इसका भी एक स्टेप पहले हम करते हैं एक्स क्यूब प्लस वन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वेयर टू में से एक एक्स निकाल दें माइनस एक्स बच गया माइनस टू आ गया। अब इनका साइन चेंज कर लें एक स्टेप और में, एक्स क्यूब माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस टू, इस साइड पे भी सेम यही काम एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन माइनस है अंदर वाले साइन चेंज कर दें ये आ गया। अब इनकी कटिंग वगैरह करें, देखिए एक्स स्क्वेयर ये इससे कैंसिल हो गया, ये ज़ाहर है ये प्लस वाला है तो इसको माइनस होना चाहिए था, प्लस आना था इधर तो प्लस माइनस माइनस, ये एक्स के इसे का कट गया टू और वन हमारे पास आ गया थ्री, एक्स क्यूब माइनस वन प्लस यहाँ पे एक्स केयर माइनस वाला था ये माइनस वाला इसे कट गया वन वन हमारे पास कितने हो गए थ्री, एक्स क्यूब प्लस वन। ये बच्चों ये हमारे पास आ गया इसका स्टेप आ गया, उसके बाद नीचे वाली दोनों एलसीएम कर लें एक्स क्यूब माइनस वन फिर एक्स क्यूब प्लस वन, ये हमारे पास आ गया इसके एलसीएम। नीचे वाली जो है आपने क्या करना देखिए, माइनस वाली ये कैंसिल ही प्लस वाली ऊपर थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वन दरमियान में प्लस, इसकी आप देखिए प्लस वाली इससे कैंसिल हुई माइनस वाली ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी थ्री एक्स क्यूब माइनस वन। नीचे हमारे पास आप कर दें जी ये फर्स्ट का स्केयर सेकंड का स्केयर, ऊपर आप मल्टीप्लाई कराएं थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री प्लस थ्री एक्स थ्री माइनस थ्री वन दार थ्री जी, नीचे ये माइनस थ्री प्लस थ्री से कट गया सिक्स एक्स क्यूब और ये हो गया टू थ्री था सिक्स और वन का स्केयर आपको पता है वन ही होता है। अब इसका मैं आंसर चेक कर लूँ हमारे पास इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है इसका आंसर बिल्कुल हमारे पास एक्यूरेट है सिक्स एक्स क्यूब और एक्स सिक्स माइनस वन, तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया फाइनल। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन मैं करने जा रहा हूँ, अब इसका देखिए इन दोनों का आप एलसीएम कर लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, प्लस वाला कैंसिल हो गया माइनस वाला इसके साथ आ गया ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी और बी स्क्वेयर, इसका माइनस वाला कैंसिल हो गया प्लस वाला इसके साथ आ गया ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। उसके बाद इसका आप माइनस वाला क्यूब, क्योंकि बाहर माइनस होना तो ए माइनस बी का क्यूब का फार्मूला ये बन जाता है हमारे पास और दरमियान में प्लस है तो ये प्लस है बाहर तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला बन जाएगा ये, तो नीचे हमारे पास ये आ गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि एक प्लस वाली एक माइनस वाली है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, प्लस होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, नीचे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आप देखिए इसमें से हमारे पास कैंसिल भी हो सकती है, कोई भी हमारे पास कैंसिल नहीं हो सकती, तो इसका मैं आंसर चेक कर लूँ, आंसर देखिए वन और वन कितने हो गए टू ए क्यूब माइनस टू बी क्यूब, नीचे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। मैं इसका आंसर चेक कर लूँ फिर आपको फाइनल बताते हैं क्या इसका आंसर हमारे पास, माइनस एक मिनट, हाँ जी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक वो ठीक है, प्लस वाला था ये प्लस वाले ग्रुप का फार्मूला था तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो जब प्लस आएगा तो ज़ाहिर है ये ए प्लस बी ए प्लस वाला बी माइनस वाले बी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ ए बच गया,
थ्री बट टू। अब इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7, इसको करते हैं। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, हमारे पास एलसीएम आ गया, प्लस वाला कट गया माइनस वाला ऊपर आ गया, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ से माइनस वाला कट गया, हमारे पास आ गया प्लस वाला ए प्लस बी, और ये ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, नीचे हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस वाला ना, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा, तो मैं उनमें प्लस, ये भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इसका बन गया हमारे पास, तो प्लस है तो ये प्लस वाले क्यूब का फार्मूला बनेगा। उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए ये प्लस वाला बी स्क्वेयर माइनस वाले बी स्क्वेयर से कैंसिल होगा, तो ये बन गया टू ए क्यूब, नीचे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इसके साथ हो जाएगा, वो भी छोटा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास एक्स फोर माइनस वाई फोर, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई है एक्स माइनस वाई, और एक्स एक्स प्लस वाई ये आ गया, डिवाइड है ऊपर हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस वाई स्क्वेयर, और नीचे आ गया हमारे पास एक्स। ऊपर इसको आप कर लें जी दो दफ़ा, इसका स्क्वेयर बना लेते हैं, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर हो जाएगा। इधर इसको क्लोज करेंगे अब हम, ये तो फिलहाल सेम आएगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, मल्टीप्लाई एक्स ऊपर हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो गया। इसको आप दो दफ़ा लिख लें, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इसको दो दफ़ा माइनस लिखने क्योंकि होल पावर है ना, तो दो दफ़ा आप इसको माइनस में ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई एक्स एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स ऊपर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ गया हमारे पास। एक्स माइनस वाई इस एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इससे कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वेयर इससे काट दें। अब हमारे पास नीचे देखिए ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, इसको फिर एक दफ़ा प्लस कर लें और एक दफ़ा आप इसको कर लें माइनस, नीचे हमारे पास एक्स माइनस वाई बच गया और एक्स प्लस ये वाई बच गया, तो ये एक्स प्लस माइनस वाई इससे कट गया, और ये प्लस वाला था ये माइनस वाला इसे काट गया प्लस वाला इसे काट गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा जी 1 बच जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास हो गया सॉल्व। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब इसका 9, इसको मैं सॉल्व करने लगूँ। देखिए आप एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, नीचे हमारे पास है इसके फैक्टर बना ले मल्टीप्लाई करें माइनस टू आए प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो 2 1 2 प्लस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस, ये बन गया एक्स का क्यूब, तो 8 जो है वो 2 का क्यूब बनता है। नीचे ये हमारे पास आप बना लें एक्स की पावर 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, एक्स की 2 अंदर 2 बाहर, जो ये जो 4 है ना ये हमारे पास बने 16 बनेगा 4 का स्क्वेयर प्लस 2 फॉर्म लेगा मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। ओके जी, अब एक चीज़ है दरमियान में, देखिए 2 2 2 4 8 दरमियान में 8 है हमें चाहिए यहाँ पे 4, तो 4 लाने के लिए हमने 8 में से 4x स्क्वेयर माइनस करने हैं। ओके जी, फिर डिवाइड आ गया हमारे पास, ऊपर एक्स कॉमन आ गया एक्स प्लस 1 आ गया, नीचे जो है इधर से भी एक्स कॉमन ले लें एक्स स्क्वेयर रह गया प्लस 2x रह गया प्लस 4 रह गया पीछे,
यहाँ पर ऊपर एक दफ़ा इसको प्लस कर लें और एक दफ़ा इसको आप कर दें माइनस। इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस टू बच गया, माइनस वन कॉमन आ गया, तो एक्स माइनस माइनस प्लस टू आ गया, प्लस ऊपर हमारे पास आ गया एक्स प्लस वन, फिर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और टू टू दार एक्स प्लस टू आएगा और टू टू दार फोर। इनके ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला ओपन हुआ है, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वेयर होता है ना, तो एक्स स्क्वेयर आ गया प्लस ए बी होता है, तो ए बी पे हमारे पास आएगा यहाँ पे टू एक्स और बी पे आ गया टू का स्क्वेयर मतलब के फोर आ गया। उसके बाद डिवाइड का मल्टीप्लाई में करते हैं, एक्स एक्स प्लस वन आ गया, नीचे वाली ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली नीचे कर दें, एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन। ओके जी, अब ये जो है इसकी नीचे वाली ये होल स्क्वेयर बन गया इसका, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर का होल स्क्वेयर, ये आ गया टू का और एक्स का होल स्क्वेयर, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, नीचे आ गया एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, सॉरी ये मल्टीप्लाई है दरमियान में मैंने प्लस लगा दिया मल्टीप्लाई। ऊपर वाली फ़िलहाल आप सेम लिखें, टू एक्स प्लस फोर, और नीचे वाली जो है आप इसको एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस, इसको अरेंज करके आप लिख लें, टू एक्स पहले फोर बाद में लिख लें, फिर एक्स स्क्वेयर टू को माइनस करना है एक दफ़ा, टू को ही प्लस करना है, टू एक्स प्लस फोर, ये बस मैंने एक्स वाली पहले लिख ली है फोर बाद में लिख लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई ये सेम आ गई, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस फोर और नीचे आ गया एक्स एक्स प्लस वन। तो जी आप देखिए, अब अगला मरहला शुरू करिए कटिंग वाला, ये तो गई इससे, ये एक्स प्लस टू इसे गया, उसके बाद ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे, ये एक्स प्लस वन इससे, ये एक्स इससे, यानी कि कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं बची, सारी कैंसिल हो गई हैं, तो कुछ भी ना बचेगा, तो हमारे पास इसका वन आंसर आ जाएगा। दो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास इसका जी टेन, इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। यहाँ पे देखिए ए क्यूब है प्लस ये जो 64 है ना, ये फोर बी क्यूब बनेगा। अब ये कुछ वर्किंग जो है मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, यानी कि जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ। अब ये ए स्क्वेयर दो पर आप ऐसे कर बनाएंगे, जिसको मल्टीप्लाई कराएं 64 आए प्लस माइनस करें तो 20 आए, तो ये है जी 4 मल्टीप्लाई 16 24 और 16 ए बी प्लस 4 ए बी, ये दो हमारे पास पेयर बन जाएंगे। इनके 4 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे 64 आ जाएगा, प्लस कर लेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास। ओके जी, डिवाइड ऊपर वाली भी हमारे पास जो है ज़रा इसके पेयर ही बनेंगे, तो आप ऊपर लिखिए ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई करें 16 आए प्लस माइनस करें तो 4 आए, ठीक है जी, या फिर हम इसका होल स्क्वेयर भी बना सकते हैं, ये बन गया देखिए होल स्क्वेयर ठीक रहेगा, ए स्क्वेयर 4 का 16 बी स्क्वेयर हो गया, माइनस टू फार्मूला लेगा ये फर्स्ट टर्म और 4b सेकंड टर्म दरमियान में प्लस, नीचे नीचे भी हमारे पास जो है होल स्क्वेयर बन सकता है इसका, a का स्क्वेयर ये बन गया 4b का स्क्वेयर प्लस टू फार्मूला लेगा a और 4b, यानी कि ऊपर दोनों तकरीबन सेम है, एक प्लस वाली है एक माइनस वाली है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर ऊपर फिर हम पेयर बनाएंगे, मल्टीप्लाई 64 आए प्लस माइनस करें तो 12 आए, सेम वही पेयर बनेंगे बस माइनस वाले बनेंगे, यानी कि आप लिखेंगे प्लस 16ab माइनस 4ab, माइनस करेंगे तो 12 16 में से 4 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा,
बी स्क्वेयर, ये ए का क्यूब बन गया माइनस, ये फिर हमारे पास फोर का और बी का क्यूब बन गया। ओके जी, अब अगला स्टेप करते हैं, ये क्यूब का फार्मूला बन कर लें, ये बन गया ए प्लस फोर बी, और यहाँ पर आप करेंगे ना तो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वेयर प्लस फोर ए बी। अब फोर ए बी कैसे आ गया, एक तो हमारे पास आ गया ना ए ये वाला और फोर ए बी ये वाला, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, प्लस फोर फोर दस सिक्सटीन बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर सात फोर का बी स्क्वेयर। जब प्लस वाला क्यूब का फॉर्मूला होता है उसका अंदर माइनस आता है, नीचे हमारे पास इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्सटीन, इनके हम कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से, तो एक ए कॉमन आ गया, ए रह गया पीछे और सिक्सटीन बी रह गया, यहाँ पे फोर और बी कॉमन आ गया, फोर बी कट गया ए आ गया, प्लस सिक्सटीन को फोर पर डिवाइड करेंगे ना हमारे पास सिक्सटी फोर को फोर पर डिवाइड करेंगे सिक्सटीन आ जाएगा और एक बी रह जाएगा, डिवाइड इसको आप क्लोज कर लें, ए प्लस ए माइनस फोर बी का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस फोर बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, ऊपर भी हमारे पास कॉमन आएगा, ए कॉमन आ गया, ए प्लस सिक्सटीन बी आ गया, और यहाँ पे फोर कॉमन आ गया और फोर और सात बी कॉमन, फोर बी कट गया ए रह गया, माइनस माइनस प्लस, फोर सिक्सटीन था सिक्सटी फोर, बी एक रह गया। नीचे ये हमने प्लस वाला क्यूब का फार्मूला ओपन किया ना, ये माइनस वाला, बस इधर माइनस आ जाएगा इधर प्लस आ जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे ए प्लस फोर बी ए स्क्वेयर, सॉरी बाहर माइनस आएगा माइनस वाला फार्मूला, अंदर प्लस आ जाएगा, फोर ए बी प्लस फोर फोर हज़ार सिक्सटीन बी का स्क्वेयर, ये आ गया। अब हम इस कटिंग करने की पोजीशन में आ गए हैं, बस क्या करेंगे इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में करवा दें, एक स्टेप बस और कर लेंगे इसका, तो ए प्लस फोर बी ये सेम, ए स्क्वेयर माइनस फोर ए बी प्लस सिक्सटीन बी स्क्वेयर, नीचे ए प्लस सिक्सटीन बी और ए प्लस फोर बी, एक बाहर वाली एक अंदर वाली, यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में करवा दें, ये ऊपर दो होता हुआ लिखने को, क्योंकि इसका स्क्वायर है, एक ए प्लस फोर ए प्लस फोर बी, वो नीचे दो दफ़ा ले आए ए माइनस फोर बी, मैंने आपका एक स्टेप बचा दिया, ठीक है जी, पहले मैं इसको ऊपर नीचे करता फिर मैं दो दफ़ा इसको लिखता तो मैंने इकट्ठे कर लिया, जब होल स्क्वायर होता हम इसी वैल्यू को दो दफ़ा लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसका देखिए आप ए प्लस सिक्सटीन बी और ए माइनस फोर बी, नीचे सेम सारी सेम ए स्क्वेयर प्लस फोर ए बी प्लस सिक्सटीन बी स्क्वेयर, तो ये आ गई बच्चों हमारे पास। अब आपने क्या करना है जी, इसकी कटिंग करनी है, कटिंग करने के बाद आपने इसको आंसर देना है, ध्यान से ज़रा इसकी कटिंग करते हैं, देखिए ए स्क्वेयर माइनस फोर ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये फ़िलहाल नहीं कट रहा, तो इसको आप ए प्लस फोर बी ए प्लस फोर बी ये इससे कैंसिल हो गया, उसके बाद ए प्लस सिक्सटीन बी ये इससे कैंसिल हो गया, उसके बाद और कौन सी काट रही है ज़रा गौर करिए, हाँ जी ये जो है इससे कैंसिल हो गई, ओके जी, और बस हमारे पास अभी यही आ रही है, क्योंकि अब ये जो थी ना ये कटनी थी इधर और ये कटनी थी इधर,
हमने क्या किया है उसके स्केयर बना लिए हैं, इसको हम सॉल्व ना करते। देखिए हम इसको सॉल्व नहीं करते, हम इसको ऐसे ही सेम इसको दोबारा जो है ना हम वही सेम लिख लेते हैं। आप इसको सॉल्व ना करिएगा, यानी कि आप जो हैं वो ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी ना वो सेम सेम जैसी है वैसे ही लिखते जाएंगे। ए स्केयर माइनस फोर ए बी प्लस 16 बी स्केयर, नीचे वाली भी ए स्केयर प्लस फोर ए बी प्लस 16 बी स्केयर। अब देखिए ये इजीली कटिंग हो रही है हमारे पास, ऊपर जाहिर है ये ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई ना, तो ऊपर प्लस वाली हो गई नीचे माइनस वाली हो गई, ऐसे ये ऊपर चल जा डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में किया तो ये ऊपर आ गई नीचे आ गई। अब ये आपने क्या करना है, प्लस वाली ऊपर आ गई माइनस वाली नीचे आ गई, ओके जी। तो आपने ये वाली इसे कैंसिल कर देनी है और ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल कर देनी है, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन को नोट करना है ना तो आप कोशिश करें इसको सॉल्व ही ना करें, ये वाली को इसको सेम ही लाते जाएँ एंड तक, आपने आंसर तक सेम रखना, फिर बाद में ऑटोमेटिकली ये कट जाएगी तो इसका हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो 1 ही आएगा। ज़ाहिर है जब सारी वैल्यू कट जाएंगे तो हमारे पास 1 ही आंसर आ जाएगा। तो जी बच्चों अब हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। अब देखिए हमारे पास आ गया ए, इसका ए स्केयर का फार्मूला ओपन कर लें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और 2a माइनस 2ab आ गया, प्लस ऊपर आपने क्या करना है इसका स्केयर बनाना, ए स्केयर का स्केयर बी स्केयर का स्केयर, नीचे क्यूब का फार्मूला ओपन कर लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, ये क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता है। उसके बाद ये आगे सेम लिखें माइनस 3ab और ए प्लस बी, दरमियान में ये डिवाइड आ गया, इधर आई थिंक मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन नंबर 10, 11, हाँ जी उधर मल्टीप्लाई है प्लस नहीं है। ऊपर भी स्केयर का फार्मूला ओपन करें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस 4ab हो गया ना, और नीचे भी आप देखिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस 3ab, ओके जी। अब यहाँ पर ए आ गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसको ऊपर एक दफ़ा प्लस कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आप देखिए ये 3ab ए प्लस बी एक प्लस वाली एक माइनस वाली, इसको आप कैंसिल कर दें, हमारे पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड। यहाँ पे देखिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बच गया, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1ab बच गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब आपने क्या करना जी, इसको देखिए ये सेम आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको भी फिलहाल आप ऐसे ही लिख लें, क्योंकि नीचे इसका फिर क्यूब, इसका फिर आप क्यूब ओपन कर लें, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो है ना जब प्लस वाला फार्मूला होता है अंदर माइनस आता है, हम ऊपर जो है ना ये देखिए इसको भी ज़रा ये कटेगा इससे, तो हमने इसको दो दफ़ा लिख लेना है, अगले स्टेप में करने के लिए हम इसी स्टेप में कर लेते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है जी, हमने इसको दो दफ़ा लिख लिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दें, ये ऊपर ले जाएँ ऊपर ले चले आए ए स्क्वायर, और इसको अगर हम क्लोज़ करें ना, इसको आप क्लोज़ ही कर लें तो बेहतर रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि ये हमारे पास पूरा फार्मूला ही है,
इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो आप करेंगे ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इसको इस शेप में लिखने, फिर आपके लिए कटिंग करना ज़रा इजी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कटिंग करेंगे और क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये कैंसिल हुआ, ए प्लस बी इससे, ए स्क्वेयर माइनस ए बी ये इससे, ऊपर कितने हैं हमारे पास एक है, नीचे कितने हैं दो, तो एक इससे काट गया, एक हमारे पास रह गया, यानी कि ऊपर हमारे पास ए बच गया और नीचे जा रहा ये एक ए माइनस बी था, नीचे दो से तो एक काट गया, तो हमारे पास रह गया एक ए माइनस बी। ये इसका बच्चों हमारे पास बन गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका मैं आंसर आपको चेक करवा दूँ। हाँ जी बच्चों बिल्कुल ठीक है जी, इसका आंसर आप लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो अब इसका हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए ऊपर हमारे पास है जी ए स्केयर और वन, ए का स्केयर कर दें और ये वन का स्केयर कर दें, नीचे इसके पेयर बना लें, मल्टीप्लाई करें, टू आए प्लस माइनस का तो वन आए, तो आप करेंगे टू वन दा टू माइनस टू ए प्लस ए माइनस टू, डिवाइड सेम आ गया। इसके भी पेयर बना लें, सब के पेयर ही बनेंगे, टू थ्री दार सिक्स, ये दो पेयर बन गए, ए स्के प्लस थ्री ए प्लस टू ए प्लस सिक्स, नीचे भी सेम है बस पेयर माइनस वाले बनेंगे, माइनस थ्री ए माइनस टू ए प्लस सिक्स, थ्री टू दार सिक्स माइनस माइनस प्लस फाइव हो जाएगा, डिवाइड पेयर बनाए मल्टीप्लाई करें, थ्री है प्लस माइनस करें तो फोर है, तो आप करेंगे ए स्केयर माइनस थ्री ए माइनस ए, दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे फोर हो जाएगा, प्लस थ्री आ गया, इधर भी सेम वही पेयर बस साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस थ्री ए प्लस वन ए प्लस थ्री, प्लस करेंगे फोर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री वन दार थ्री, इधर इसको आप एक दफ़ा लिखेंगे प्लस और एक दफ़ा आप लिखेंगे माइनस, इन दोनों में से कॉमन लें तो ए ए माइनस टू रह गया, कोई कॉमन नहीं है तो ए माइनस टू आ गया, डिवाइड इन दोनों में से कॉमन लें तो ए ए प्लस थ्री और टू कॉमन आ गया, ए प्लस टू थ्री दार सिक्स, इन दोनों में से ए कॉमन आ गया ए माइनस थ्री और इन दोनों में से टू कॉमन आ गया ए प्लस माइनस माइनस टू थ्री दार सिक्स, डिवाइड इन दोनों में से ए कॉमन आ गया ए माइनस थ्री और माइनस वन कॉमन आ गया तो ए प्लस माइनस माइनस थ्री, नीचे से ए कॉमन आ गया ए प्लस थ्री हो गया, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो वन आ गया, ए प्लस थ्री बच गया हमारे पास जी। एक स्टेप इसका और करते हैं फिर इसकी कटिंग करते हैं, ये तो सेम आ गई, इसकी एक ब्रैकेट वाली लिखी जाएगी और एक लिखी जाएगी बाहर वाली, डिवाइड इसकी भी एक ब्रैकेट वाली आ गई और एक आ गई ए प्लस टू, इसकी भी ए माइनस थ्री और ए माइनस टू, ओके जी, डिवाइड इसकी भी ए माइनस थ्री ए माइनस वन, इसकी भी ए प्लस थ्री ए प्लस वन, ए प्लस वन ए माइनस वन, नीचे ए माइनस टू ए प्लस वन, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दें, ए माइनस थ्री ए माइनस टू, उसकी भी ऊपर वाली नीचे ले आए, ये भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दें, नीचे वाली ऊपर लिख रहे हैं वैल्यू ए प्लस थ्री ए प्लस वन, ये ए माइनस थ्री ए माइनस वन, लो जी ये हो गया। अब इसकी कटिंग करते जाएं, कटिंग देखिए ध्यान से जरा के देखना आपने, ए माइनस टू इससे कैंसिल हो गया और ए माइनस थ्री इससे, ए प्लस वन ये इधर, ए माइनस वन इधर, ए प्लस थ्री इधर, लो जी हमारे पास बच गया ए प्लस वन और ए प्लस टू, ये बच्चों इसका आंसर आ गया, आंसर चेक कर लें, ए प्लस वन और ए प्लस टू, ओके जी।
ये बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 जो है 3.5 का काफ़ी टफ एक्सरसाइज आपको लगी होगी। और आपने अगर करनी है इसको तो प्रैक्टिस कर लें, छोड़नी हो तो छोड़ भी सकते हैं आप। तो आपने अपनी दुआ में मुझे याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में खसूसी याद रखा करें। जजाकल्ला जी, अल्लाह हाफिज़।